हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ हलवे की एक और रेसिपी। आपने पहले भी सूजी की जो पतलियाँ थी जमा हुआ हलवा वो बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सूजी का हलवा भी मैंने अपलोड किया था, आप वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि और हलवे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है बेसन और करीब इसमें से 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी ली है और 1.5 से 2 चम्मच मैं घी लेने वाली हूँ। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बादाम काजू जो भी पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पर बादाम भिगो कर छील करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं बेसन के हलवे की रेसिपी। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन को भूनना होगा। तो मैं यहाँ पर बेसन भूनने के लिए डाल देती हूँ और साथ ही हमने घी इसमें ऐड कर लेना है। तो मैं करीब 2 चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ। और जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से करेंगे। जो बेसन है हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है क्योंकि ये बेसन जल्दी ही चिपकने लग जाता है, तो लो फ्लेम पर आप भूने, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और घी की अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम और इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेसन में थोड़े से घी की जरूरत और है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने बेसन को भूना। तो एक कटोरी बेसन में करीब 1/4 कटोरी हमने घी डाला है और इतना ही हम चीनी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बेशक आप ज्यादा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए भुनने में आने लगा है। जब तक बेसन एक जान ना हो जाए हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी पानी सा हो गया था और अभी ये एकदम इकट्ठा हो गया। फ्लेम बिल्कुल लो आपने रखनी है। और अब मैंने क्या करना है, इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है पतलियां तो जमानी नहीं है जो हम चीनी थोड़ा ज्यादा डालें। तो करीब 1 से 2 मिनट मैंने यहाँ पर इसे पकाया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध जो लिया है वो 1/2 कटोरी, मैंने वही कटोरी का इस्तेमाल किया है जिससे मैंने बेसन नापा था। तो देखिए फ्लेम अभी भी लो है, अच्छे से जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। एकदम खिला खिला और दानेदार ये हलवा बनने वाला है इंशाल्लाह। तो देखिए बिल्कुल कैसे झट से ये सूख चुका है। और ये देखिए बढ़िया और मजेदार ये हलवा तैयार है। और ये देखिए जब तक ये इकट्ठा एक साथ ना आ जाए हमने इसको अच्छे से अभी भी भूनना है। और देखिए एक डो की शक्ल में ये आने लगा है, समझो कि हलवा तैयार है। तो बस अब हम गार्निश कर देते हैं इसे काजू या बादाम से और सर्व करते हैं। तो गैस में कर देती हूँ बंद और सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए तैयार है बेसन का हलवा। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है और आप जरूर बनाइए इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आसान
और बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी जल्दी से, झटपट और बहुत आराम से। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और भी नई और अलग अलग तरह की रेसिपीज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।